गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेवेंथ स्टैंडर्ड फिफ्थ लेसन रैशनल नंबर्स। हम लोग इसके पहले भी दो वीडियो देख चुके हैं रैशनल नंबर्स का, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और प्रैक्टिस सेट भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आज देखेंगे राइट ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 9। 2 एंड 9 के बीच में जो भी नेचुरल नंबर्स आते हैं कौन सा है? 3, 4, 5, 6, 7, 8 है क्या? नहीं। एंड राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड 5। तो इंटीजर्स कौन सा आता है -4 के बीच में? -3, -2, -1 और 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये इंटीजर्स आएगा। विच रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1/2 एंड 3/4? तो हम लोग जब इंटीजर्स लिखते हैं, सपोज m इज एन इंटीजर, तो m+1 इज द नेक्स्ट इंटीजर है क्या? नहीं। उसके साथ एक ऐड किया तो नेक्स्ट इंटीजर मिल जाता है। लेकिन रैशनल नंबर्स जो है उसके बीच में बहुत सारा रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। सेम नेक्स्ट m+1 जो है वो नेक्स्ट इंटीजर नहीं होता है रैशनल नंबर्स में। उसके बीच में 1/2 और 3/4 है तो उसके बीच में बहुत सारा रैशनल नंबर्स हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 1/2 और 4/7 के बीच में कितना रैशनल नंबर्स है। 2 रैशनल नंबर्स है 1/2 एंड 4/7। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कॉमन डिनोमिनेटर देखा 1/2 का और 4/7 का, तो 14 निकाला कॉमन डिनोमिनेटर। तो 7/14 और 8/14 मिला दोनों नंबर का कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के बाद। 7/14 और 8/14 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 70/140 और 80/140 है। तो उसके बीच में 70/140 के और 80/140 के बीच में 71, 72, 73, 74 ऐसा बहुत सारा रैशनल नंबर्स हो सकता है। या 700 और 800 किया, 70 को 100 से मल्टीप्लाई किया और 80 को भी 100 से मल्टीप्लाई किया, तो उसके बीच में भी बहुत सारा नंबर्स रैशनल नंबर्स आ सकता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देर आर इन्यूमरेबल रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स। 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितना हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उतना रैशनल नंबर्स हो सकता है। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिस सेट 23 देखो। प्रैक्टिस सेट 23 में फर्स्ट वन देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 23 फर्स्ट वन 2/7 और 6/7 इसके बीच में का 3 रैशनल नंबर्स लिखने को बोला है अपने को, 2/7 और 6/7। तो हम लोग रैशनल नंबर्स लिख लेते तो हाफ कर लेते पहले। ठीक है, हाफ इंटू 2/7 प्लस 6/7, तो क्या आएगा, हाफ इंटू 2/7 प्लस तो 1/2 इंटू 8/7 मीन्स कितना आ गया, 4/7 इसन इट, 4/7 आएगा। तभी एक रैशनल नंबर हो गया 4/7। अभी 2 और 6 के बीच में एक 4/7 हो गया। तो हम लोग अभी देखते हैं सेकेंड नंबर कौन सा आएगा। हाँ बोलो, हाफ इंटू 2/7 प्लस 4/7। 2/7 और 4/7 के बीच में कौन सा आएगा, हाफ इंटू 6/14 इक्वल टू कितना आएगा, हाफ इंटू 6/14 मीन्स 3/7। दूसरा नंबर है 3/7। तो अभी नेक्स्ट हम लोग जब करेंगे तो कौन सा करेंगे अभी, ओके बोलो तो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो है 3 का 4/7 और 6/7 के बीच में का देखते हैं, हाफ इंटू 4/7 प्लस 6/7 इक्वल टू हाफ इंटू 10/7 इक्वल टू 5/7। तो कौन सा नंबर्स आएगा, 2/7 और 6/7 के बीच में का नंबर है 4/7, 3/7 एंड 5/7। ओके, 3/7, 4/7, 5/7 आर द नंबर्स बिटवीन
टू बाय सेवन। आए इतना समझ में सब लोगों को कैसे हम लोग उसके बीच में का नंबर्स निकालते हैं। तो प्रैक्टिस से 23 भी मैं भेज देती हूँ, आप लोग घर पे ट्राई कर लेना। ओके, नेक्स्ट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। ये तो आप लोगों को पता है ना डेसिमल फॉर्म कैसे लिखते हैं। ठीक है, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स, डेसिमल फॉर्म कैसे लिखते हैं? 7/4, 7/4 जो है, 7/4 कैसे डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं? 7 को 4 से, 7 डिवाइड बाय 4, 7 को 4 से डिवाइड किया तो सपोज 1 4 जा 4, देन 3 इधर पॉइंट डाला 34, 7 जा 28, अगेन 2 रिमेनिंग 24, 5 जा 28। तो आंसर कितना मिला हम लोगों को? 1.75। जब 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल फॉर्म मिला 1.75। और जीरो ये क्या आएगा? जो रिमाइंडर है वो 0 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 0 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। जब रिमाइंडर 0 0 आता है तो उसका नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। कभी कभी डेसिमल फॉर्म जो है वो टर्मिनेटेड नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेकरिंग डेसिमल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग और एक देखते हैं, 7/3। ठीक है, 7/3 है तो 2 3 जा 6, फिर 1 पॉइंट डाल के 10 में हम लोग 3 3 जा 9, फिर 10 3 3 जा 9, फिर से 10, ऐसा पॉइंट डालने के बाद 0 ऐड करते जाएंगे तो 2.3333 ऐसा आएगा। तो रेकरिंग फॉर्म जब लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 2.3 और ऊपर एक डॉट डालते हैं। ठीक है, इट इज अ रेकरिंग डेसिमल फॉर्म। आए समझ में? ओके, तो आप लोग ट्राई करके देख लेना, ये जितना एग्जांपल्स दिया है आप लोगों को बुक में, टेक्स्ट बुक में, पूरा ट्राई करके देख लेना। ओके, बाय।